हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। हम लोग को राशन नहीं है, दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेटा मेरा कमाता था तो वो भी बैठा हुआ है 4 महीने से, तो क्या करें बोलिए, जहर खा के मर जाएं। सरकार कह रही है कि हम अनाज मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं। सरकार दे रही है, कोई मुफ्त में नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिला मुफ्ती में। एक दिन खाते हैं तो दूसरा दिन दूसरा, कभी घर मालिक खिला दिया तो कभी कोई खिला दिया, नहीं है तो दो दो दिन भूखे ही रहेगा। पढ़ी हम बीए पास हैं, बीए तक पढ़े हुए हैं, तो खाना बनाने का काम करते थे, अभी कोई काम नहीं है हम लोग के पास, कुछ काम नहीं है। भूखे मरने से अच्छा है कि भाई कोरोने से मर जाए, क्या करें। हमने ये कहते सरलका माँ कलका दे देते, या गरीब निमन निमन मतवर मतवर मुँह देखा चुका चुन चुन के दही, आ हमने के इतनी मानी दे दही, आ का गरीब के अस्पतलवा में जा है तो भगा दही किलो नहीं, 1,00,000 रुपया दो तो करेंगे तो भागो, एकरा कौन देखल करे गरीब दुखिया के। 4 महीना से तो ये बैठ के बैठल ही रहता है, 4 महीने से मुफ्त में खिला रहे हैं लोगों को। मुख में कौन कथ दे रही है बताओ तो, मुख में कौन मुखिया मैनेजर दे रही है मुख में, गोसाई टोला में चावल नहीं मिला आप लोग को, दाल नहीं मिला, एक दुनिया जाएंगे, एक मर तो मिला चावल आधा किलो नीमक, इतनी से नी 100 ग्राम सोयाबीन, उतने में 6 महीना से खा रहे हैं। कार्ड भी नहीं है, के बार फारे मंथा में भरे, मुखिया जी भरे, कार्ड नहीं हमको बना, नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है, न राशन के न पानी के न कुछ। 10 गो के बाटा है या फिर शटर बंद करो, 10 गो के बाटा है या शटर बंद करो, मुँह चिन चिन के दह है, मुँह चिन चिन के दह है, गरीब के कथ दह है, अखनी गरीब के का दुआ के धक्का लग गए तो गरीब में मुकत में कोई कर देता है। नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क, और इस वक्त हम पटना के गोसाई टोला में हैं, जहाँ बिगुल मजदूर दस्ता के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग बढ़ती महंगाई, बंद होते उद्योग धंधे और कामगारों की छटनी के विरोध में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अभी यहाँ तेज बारिश हो रही थी, बारिश में भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नौजवान भारत सभा और बिगुल मजदूर दस्ता के लोग साथ में मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग लगातार सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं, और इनका कहना है कि लॉकडाउन में कोरोना काल में सरकार गरीबों के साथ मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। हम बात करते हैं इनसे कि जनसंघर्ष में हमारे आखिर इन्हें इस तरह से क्यों लाइन में खड़ा होकर के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। कहां से आए हैं? गोसाई टोला से। कहां के लिए खड़े हैं? पेट के लिए कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। तो तुम मरो, क्या कर रहे हैं? अपना हक काम बंद कर दे ले, नौकरी का काम ना काम मिले जावे, कोठी में काम करते हैं, हमको कोई काम नहीं दे रहा है, हमको बहुत तीन तीन बच्चा है, हड़ताल चला रहा है सब, कोठी में काम नहीं दे रहा है, हम लोग भूखा मर रहे हैं, कोई काम नहीं दे रहा है, कोठी में काम करने वाले लोग बोल रहा है कि नहीं कोरोना है, गेट भी नहीं छूने दे रहा, अलग से बात कर रहा है, बोल रहा है कि जय जय लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना खत्म होगा तो आइएगा। बारूनी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बारूनी, आप लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं किस बात को लेकर कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग इसी मांग को लेकर के कर रहे हैं, ये जितने भी महिलाएं हैं सभी कहीं ना कहीं कोठियों में काम करने जाती हैं, और आज उन सारे लोगों का काम मारा गया है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण सभी लोगों का धंधा चौपट हुआ है। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिना राशन कार्ड देखे सबको राशन की व्यवस्था करें,
दूसरा जब तक काम दोबारा से नहीं चालू होता है एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए सरकार द्वारा, तीसरा बिहार में टेस्टिंग बिल्कुल ही नहीं की गई है, बहुत लोगों के जन दबाव के बाद नीतीश सरकार ने जो है टेस्टिंग बढ़ाई है लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, तो टेस्टिंग बढ़ाई जाए और सारे सरकारी अस्पतालों का सही व्यवस्था की जाए, यही मांग को लेकर के हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार जागेगी आपकी आवाज़ सुनकर के? देखिए एक उम्मीद है क्योंकि अभी चुनावों का वक्त है और सारी ही पार्टियां जो है चुनाव के इस खेल से थोड़ा डरती हैं, हालांकि एक बार चुन जाने के बाद वो कुछ करती नहीं है लेकिन उसके ठीक समय पहले एक संभावना है कि हम लोग के मांगों पे जो है कुछ संज्ञान लिया जाएगा, तो नीतीश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी हमारी ये मांग है। आज के दिन देश में आज़ादी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आज का दिन काफ़ी अहम है, 9 अगस्त है, तो क्या लगता है कि ये 9 अगस्त की आवाज़ जिस तरह से आप लोग 9 अगस्त को ये आंदोलन छेड़े हैं, सरकार जो है जागेगी निद्रा से और आप लोग ये जो गरीब लोग हैं खड़े हैं जिनको मिलता नहीं है, कोरोना काल है, भुखमरी का सवाल है, जागेगी सरकार? जी देखिए आज का दिन बहुत ही बहुत बेहतरीन दिन है, आज का कोरी कांड को अंजाम दिया गया था, करीब इसमें 40 क्रांतिकारियों पे ब्रिटिश सरकार ने जो है अदालत में वो लगाया था, लेकिन उसी दिन को एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का, आज सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि तमाम मजदूर संगठन भी इस चीज़ में शामिल हैं और इस मांग को लेकर के वो सामने आए हैं कि सरकार को टेस्टिंग बढ़ाना होगा और सारे ही मतलब जो अभी बिहार के पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है, नीतीश बिहार की पूरी व्यवस्था जिस तरीके से इस काल में नंगी हुई है वैसे कोई स्टेट नंगा नहीं हुआ जितना कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नंगी हुई है। आप बताएं कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या है इसका मतलब? देखिए देश की हालत तो किसी से छिपी नहीं है, बेरोजगारी, भूखमरी, नोटबंदी से लेकर के GST और कोरोना काल और ऊपर से केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं वो सब जग जाहिर है, किस तरह से रेलवे, हवाई जहाज़, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन सबको बेचा जा रहा है, आखिर इतनी बड़ी फौज जो बेरोजगारों की पैदा हो रही है और जानबूझ करके पैदा की जा रही है उसका क्या होगा, उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, आज अगस्त क्रांति का भी दिन है और काकोरी कांड जो हुआ था, जो ट्रेन लूटी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा, लड़ाई के लिए साधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता थी तो उन्होंने ट्रेन लूटी थी, ब्रिटिश सरकार को चुनौती दिया था एक तरह से, वो भी यादगार दिन है और इसी दिन आज हम तमाम ट्रेड यूनियन और मजदूर के संगठन अपनी आवाज़ उठाने के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ ज़रूर दिल्ली तक जाएगी। आज का दिन आप लोगों ने चुना है, अगस्त क्रांति का दिन है आज, तो क्या एक विशेष संदेश देना है सरकार को? जी हाँ, निश्चित तौर पे जब जब सरकार जन विरोधी हुई है, चाहे वो ब्रिटिश की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, जनता जागरूक हुई है, क्योंकि इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है इसलिए हमने इस दिन को चुना। आप बताइए, इतनी बारिश में भीगे हुए हैं और झंडा लेके खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? भीगना ही पड़ेगा, जब आज हम खड़े हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम आज जिंदा हैं, अन्याय के खिलाफ आज बोलना एकदम जरूरी है। बिहार जिस राज्य में हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ पर सबसे बुरी हालत है, लगातार लोगों के द्वारा जब दबाव बनाया गया तब धीरे धीरे जांच बढ़ा है लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में न जाँच हो रहा है और सरकार लॉकडाउन पर लॉकडाउन लादे जा रही है जिससे लोगों में भयंकर असंतोष है। अभी जो लोग लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए हैं सड़कों पर आ गए हैं, कैसे खाएंगे, कैसे रूम रेंट भरेंगे, उनके लिए दूभर हो गया है। आज हमारे समक्ष कोई विकल्प नहीं है इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर करके सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे, काहे के लिए आए हैं? हम दाय वाला काम करते हैं, खाए के लिए अथी नहीं है, वही सेवा करते हैं। कोरोना में बहुत दिक्कत है, कोरोना में बहुत दिक्कत है। अनाज वगैरह मिलता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। सरकार तो कह रही कि हम अनाज बांट रहे हैं गरीब लोगों को। नहीं नहीं, ना काट है ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ है कुछ ना। आप बताइए माताजी। दाई के काम करते हैं, राशन नहीं देता है सरकार।
सरकार तो कह रही कि हम राशन बांट रहे हैं, नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं हमने के नहीं देता। हाँ हमने कहते सराल का माकल का दे देता है, गरीब निमन निमन मतवर मतवर मुंह देखा चुका चुन चुन के दे, हमने के इतनी मानी दे दे आ का गरीब पे अस्पताल में जा है तो भगा दे है किलो नहीं देख लाख रुपया दो तो करेंगे तो भागो बेकरा कौन देखल करे गरीब दुखिया के चार महीना से तो ये बैठल चार महीने से मुफ्त में खिला रहे हैं लोगों को मुख में कौन कथ दे रही है बताओ तो मुख में कौन मुखिया मैनेजर दे रही है मुख में गोसाई टोला में चावल नहीं मिला आप लोग को दाल नहीं मिला एक महीना जाएंगे एक मर्त मिला चावल आधा किलो नीमक इतनी से नहीं 100 ग्राम सोयाबीन उतने में 6 महीना से खा रहे हैं कार्ड भी नहीं है के बार फार्म मंथा में भरे मुखिया जी भरे कार्ड नहीं हमको बना नहीं मिल रहा है बहुत तकलीफ है बहुत दिक्कत है न राशन के न पानी के न कुछ दसों के बाटा है या फिर शटर बंद करो दसों के बाटा है या शटर बंद करो मुँह चिन चिन के दा है मुँह चिन चिन के दा है गरीब के कैसे दे अखनी गरीब के का दुआ के धक्का लग गए तो गरीब में मुकत में कोई कर देता है आई काम तो बंद है जी 4 महीने से 6 महीना हमी के बंद हो गए तो ऐसे कोरोना होले तो ऐसे भगा दे कई कि भागो कोरोना हो तमाम दिखते हैं लोगों का लोगों को सरकार की ओर से राशन नहीं मिलते सरकार हालांकि दावा कर रही है कि मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है लेकिन लोगों का कहना है जी बताइए हम लोग को राशन नहीं है दवा नहीं है कुछ भी नहीं है बेटा मेरा कमाता था तो वो भी बैठा हुआ है 4 महीना से तो क्या करें बोलिए जहर खा के मर जाए सरकार कह रही है कि हम अनाज मुफ्त में मुहैया करा रहे सरकार दे रही है कोई मुफ्त में नहीं मिल रहा कहीं नहीं मिला मुफ्त में एक दिन खाते हैं तो दूसरा दिन दूसरा कभी घर मालिक खिला दिया तो कभी कोई खिला दिया नहीं है तो दो दो दिन भूखे ही रहेगा पढ़ी हम बीए पास हैं बीए तक पढ़े हुए हैं तो खाना बनाने का काम करते थे अभी कोई काम नहीं है हम लोग के पास कुछ काम नहीं है भूखे मरने से अच्छा है कि भाई कोरोने से मर जाए क्या करें अच्छा है कि कोरोने से मर जाए भूखे से रहे से अच्छा है कि कोरोना से मर जाए नहीं कमा रहा है हम लोग को बहुत परेशानी है दर्द है लोगों का लोग भूख की वजह से खुद को मरने की बात कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोरोना हो जाए जो ज़्यादा अच्छा है लेकिन ये जिंदगी अच्छी नहीं है कोरोना काल ने हमें बेमौत मरने पे मजबूर किया है हम लोग काफ़ी परेशान हैं जो सरकार राशन दे रही है वो राशन खाने लायक नहीं है अगर मिलता है तो और खास करके उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ये बताइए जिस तरह से आप लोग आज प्रोटेस्ट किए हैं जनता का जिस तरह से यहाँ बारिश में जुटी है बड़ी संख्या में क्या लगता है कि सरकार तक एक सकारात्मक संदेश जाएगा देखिए सरकार जो पुराना एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है कि सरकारें बहरी होती हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर ये एक साइन है कि आने वाली परिस्थिति बहुत भयानक होने वाली है सरकार के लिए भी खुद और खुद सरकार के प्रति जो रवैया है आम लोगों का वो दिख रहा है ना कि लोग अब सड़क पर आ रहे हैं घरेलू कामगार महिलाएं हैं जो घरों में जाकर के काम करती हैं महिलाएं बोल रही हैं कि जितना खाना पर देना पड़ रहा है उससे ज़्यादा हम रेंट दे रहे हैं बिजली बिल तक नहीं माफ़ हो रहा है उधर मतलब तकलीफ़ ये है कि राशन का सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि राशन सबको मिल रहा है इतने करोड़ लोगों को राशन मिल गया लेकिन राशन कितने लोगों को पहुंचा राशन यहाँ एक भी महिलाओं को एक भी लोगों को राशन नहीं मिला कई कुछ लोगों का ये भी सुनने में आया कि नाम लिख करके तो ले गया है लेकिन अभी तक न मतलब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ नाम लिख करके आधार कार्ड का फोटो कॉपी उठा करके ले जाते हैं ये पूरी सरकारी प्रक्रिया आप खुद देख सकते हैं फार्म मालिक को मिल रहा है तो घर मालिक अच्छा अच्छा आदमी को दे दे रहा है जिसका घर द्वार है उसको दे दे रहा है सबके दिला आता है हम लोग चले जाते हैं पेटी आ रहा है हम लोग को तो कार्ड भी नहीं है इतना परेशानी नहीं हम लोग बेरोजगार की मजबूरी है लोगों के साथ कहने को सरकार तो दावा कर रही है कि हम लोगों तक खाना राशन पहुंचा रहे हैं लेकिन
हकीकत आप इन लोगों से सुने। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना, गोसाई टोला। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।